हेलो एवरीबॉडी, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों देख सकते हो, लेफ्ट हैंड पे है मेरे अक्षरधाम टेंपल और ये है दिल्ली मेरा टैक्स प्रेतपुर। यहीं से ये सामने आप लोगों को फ्लाईओवर चमक रहा है, ये लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जो कि 210 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे देख सकते हैं। सेफ्टी बोर्ड लगा दिए जा चुके हैं यहाँ पर और रोड चौड़ा करने का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर इस जगह पर अक्षरधाम टेम्पल के सामने दोस्तों। और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया जा चुका है और वहीं पर ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, काम चल रहा है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें और देख सकते हो अभी ये टू लेन का है और अब ये यहाँ पर ये थ्री लेन हो जाएंगी दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन आप लोग देखो किस तरीके से चल रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा। ये देख सकते हो दोस्तों ये सराय, ये आपको बता दूँ अक्षरधाम टेम्पल के सामने दोस्तों देख सकते हो ये रैंप बनाने का काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीर, ये देखो ये अब ये चौड़ा कर रहे हैं ना, तो चौड़ा करने पे ही ये देख सकते हो सिक्स लाइन इस साइड में रहेंगी, सिक्स लाइन उस साइड में रहेगी, यानी कि ये 12 लाइन के एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें और वो है MS 24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दोस्तों, और वहीं से ये स्टार्ट होगा। और तस्वीरें देख सकते हो यहाँ से ये रैंप बनाने का काम चल रहा है, यानी कि इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है। JCB वो वहाँ दिखाई देगा आप सभी को, देखो कुछ इस तरीके से ये रैंप बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। ये देखो और मेरे सामने है दोस्तों ये अक्षरधाम टेंपल, ये अक्षरधाम टेंपल है, ये देख सकते हो तस्वीरें। और इसके सामने ही ये बनाया जा रहा है रैंप दोस्तों, और ये जो मेट्रो जा रही है ये है ब्लू लाइन दोस्तों, ये देखो। अब आगे चलते हैं, आगे कितना कुछ काम हो चुका है वो भी देखने के लिए मिलेगा। और ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन का दोस्तों, ये देख सकते हो आगे। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये अक्षरधाम टेंपल का आपको गेट देखने के लिए मिलेगा और ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन भी देखने के लिए मिलेगा, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन दोस्तों। और ये आपका रुक जाएगा जाकर यमुना बैंक में, वहाँ से चेंज हो जाती है फिर ये एक तो आनंद विहार के लिए, आनंद विहार और आपका ये वसुंधरा वैशाली के लिए चली जाती है यमुना बैंक से, और यमुना बैंक से ये नोएडा आने वाला ये प्लेटफॉर्म है। तो देख सकते हो ये रास्ता जा रहा है अंदर टेंपल के लिए अंदर, और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो वैसे ही सामने से ये आ जाता है दोस्तों मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन अक्षरधाम टेंपल का, देख सकते हैं तस्वीरें। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो दोस्तों ये रेलवे का ब्रिज पड़ेगा, और रेलवे ब्रिज पर भी अभी पायल मशीन काम कर रही है, जो कि ज़मीन के अंदर पिलर डाले जा रहे हैं और फिर पिलर बनाकर फाउंडेशन तैयार किया जाएगा, और फाउंडेशन बना के फिर उस पर पिलर खड़ा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देख सकते हो ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो चुका है रेलवे लाइन का, तो इसको भी चौड़ा किया जा रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो दोस्तों। ये देख सकते हो ये रेलवे लाइन, और वो देख सकते हो वो जा रही है मेट्रो ब्लू लाइन की, और इस आपको बता दूँ इस इंडियन रेलवे को ये ब्रिज क्रॉस करवाया जाएगा, क्योंकि इधर भी एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा जैसे इधर बना हुआ है, देख सकते हो तस्वीरें। इसके जो अंदर का जो फाउंडेशन मशीन है वो देख सकते हो, ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है वहाँ पर, वो पाइल किया गया है अंदर ज़मीन के अंदर, पिलर बनाया गया है देखो जैसे ये बनाया गया है, ठीक है ऐसे इधर भी बनाया जाएगा, तस्वीरें देख सकते हो। आगे दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर यह वर्क चल रहा है दोस्तों, क्योंकि पीछे जो मेरे आप लोगों ने अभी देखा वो है अक्षरधाम टेम्पल, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो ये जो पाइल करके नीचे पाइल ज़मीन में पाइल करके गड्ढा करके फिर ये रिंग डाले जाएंगे दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीरें। और ये सरिया उसी चीज़ के लिए पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो तो इतनी बड़ी होती है देख सकते हो पाइल मशीन, ये देख सकते हो ये जा रही है ब्लू लाइन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो एक यहाँ पर इन्होंने पिलर का पाइल कर दिया है दोस्तों इस मशीन में, देखो कितनी ऊंची मशीन होती है, ये देख सकते हो यहाँ पर ये पाइल किया गया है। अब इसे इसमें कंक्रीट नहीं भरा गया है, अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों, ये है देख सकते हो तस्वीरें, देखो
ये है मशीन, और चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप लोगों को। ये पाइल करके फिर ये ज़मीन के अंदर ही ये वाले बीम डाले जाएंगे, ये जो रिंग है ये डाले जाएंगे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये पाइल कर दिया इन्होंने यहाँ पर, ये चौड़ा किया जाएगा इस फ्लाईओवर को। तो हम आ चुके हैं श्याम पार्क के सामने, तो यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दोस्तों, और दोनों साइड में ये रैंप बनाने का काम चल रहा है। पिछली बार वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था तब कोई काम यहाँ पर नहीं चल रहा था, और इसकी दोनों साइड में ही देख सकते हो इधर ड्रेनेज सिस्टम भी बना दिया जा चुका है, उधर का भी दोस्तों बना दिया जा चुका है। देखो वो काम चल रहा है अभी इस टाइम पर, दिल्ली मुंबई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो रैंप बनाने का काम है दोस्तों वो किया जा रहा है। दोनों साइडों में देख सकते हो मिट्टी डालने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे, और जो जगह है ये है श्याम पार्क दोस्तों, उसी के सामने ये फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। दोनों साइड के रैंप बनाने का काम चल रहा है क्योंकि दोनों साइडों से मिट्टी डाली जा रही है, और मिट्टी डालने के बाद में फिर ये जैसे ऊँचा करते चले जाएँगे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, चलते हैं आगे फिर आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं चल के दोस्तों। काम नहीं चल रहा है, जो भी काम चल रहा था दोस्तों वो अक्षरधाम टेंपल के सामने चल रहा था दोस्तों, वहाँ पर भी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, तो देख सकते हो वहाँ पर रैंप बनाया गया था। देखो यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा अभी इस टाइम पर। गाइस गीता कॉलोनी की रेड लाइट क्रॉस करने के बाद में देख सकते हो ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये रोड भी चौड़ी कर दी जा चुकी है, देख सकते हो आप मेरे लेफ्ट हैंड पे उसी पे हम चल रहे हैं, और बीच में यहाँ से ये आपको बता दूँ एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हो सारे में ही अभी आप लोगों को गाटर नज़र आ रहे होंगे, और देख सकते हो रैंप बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है, ये साइड में ये रैंप बनाया जा रहा है, और यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएगा दोस्तों, जो कि ये रहेगा खजूरी पुस्ता
को क्रॉस करने के बाद में एलिवेटेड सेक्शन, तो सारे में पियर कैप बन के कंप्लीट हो चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हो, ये सारे पिलर का पियर कैप बनाया जा रहा है। आपको बता दो, गीता कॉलोनी और गांधीनगर के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों, व्यू है ये। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों। तो देख सकते हो आप लोगों को दोनों साइडों में ही अभी आपको गाटर रखे हुए नजर आएंगे दोस्तों, देख सकते हो सारे पिलर में पियर कैप बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।